यार काम का इतना प्रेशर है और ये लोग इतना लेट। यार तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है इनका करूं भी तो क्या करूं। हेलो। हाँ सर आप टेंशन मत लो, हम सब मिलके आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आजकल में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके सर ओके। यार मैं तो इन सबसे परेशान हो गया हूँ, मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ ठीक है। और तुम लोग इतना लेट क्यों आ रहे हो, तुमको पता है ना काम का कितना प्रेशर है। ये निधि कहाँ रह गई, अब तक आई नहीं। अरे सर मैं इधर हूँ, आपने मुझे देखा नहीं। अरे तुम उधर क्यों चुपके बैठी हो। अरे सर मैं छुपी नहीं, मेरे जूते का लेस खुल गया था, उसे ही भांग दी थी। अच्छा चलो ठीक है, अब बांध के हो गया तो अंदर आ जाओ। ठीक है सर हो गया। तुम सब इतना लेट क्यों हो गए, तुमको पता है ना कितना इम्पोर्टेंट काम करके देना है। अरे सर हम अपना इम्पोर्टेंट काम करने गए थे आज। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम था जो तुम सब लोग मिलके गए थे। वो सर क्या है ना, हम सब का छोले भटूरे खाने का मन था, बस वही खाने गए थे हम सब। क्या ये जरूरी काम था, इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के अपना टाइम छोले भटूरे पे वेस्ट कर रहे हो। सॉरी सर निधि बहुत जिद करने लगी थी इसीलिए हम सबको जाना पड़ा। सॉरी सर अब मैं वादा करती हूँ अगली बार से मैं ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, तुम सब अपना काम अच्छे से करो। और हाँ डॉली तुम अपना इंदौर वाला फाइल कंप्लीट किया नहीं। हाँ सर हमने वो फाइल कंप्लीट भी कर दी है और क्लाइंट को मेल भी कर दी है। ओके ठीक है। और रूबी तुम्हारी फाइल। यस सर कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ा सा काम बाकी है, वो आज हो जाएगा। अच्छा ठीक है उसे जल्दी से कंप्लीट करो क्योंकि क्लाइंट का बार बार कॉल आ रहा है। ओके ठीक है तुम अच्छे से काम करो, मैं जा रहा हूँ। यार निधि देखा ना तुम्हारी वजह से हम सबको डांट पड़ गई। हाँ। इसीलिए मैं मना कर रही थी। अरे तुम क्या लेके बैठे हो, ये सोचो छोले भटूरे खाने में कितना मजा आया। हाँ यार कुछ भी बोलो मजा तो काफी आया छोले भटूरे खाने में, बहुत दिन बाद मिले थे। हाँ अगर तुम सबके छोले भटूरे खत्म हो गए हो तो कुछ काम भी कर लो, या पूरे दिन वही लेकर बैठना है। हाँ हाँ चलो ठीक है, बढ़िया ही काम करने वाली।
मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम सब मिलके आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना, ठीक है? क्योंकि अर्जेंट मुझे ये क्लाइंट को देना है। चलो फाइनली मेरा तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, एक टेंशन तो कम हुई। यार डॉली मेरा भी एक हेल्प कर दे यार प्लीज। सर आते ही मेरे से फाइल मांगेंगे, फिर मैं क्या करूँगी यार। चलो फाइनली मेरा भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मैं क्लाइंट को मेल कर देती हूँ। डॉली और रूबी तुम दोनों स्नेहा का हेल्प कर दो। निधि तुम्हारा हुआ या मैं हेल्प करूँ? मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। तू तो झांसी की रानी है ना, छोड़ो हम सब अपना अपना काम करते हैं। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। तुम सबकी फाइलें कंप्लीट हुई या नहीं? यस सर, हम सबका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तुम सब एक एक करके फाइल मेरे केबिन में लेके आओ। ओके सर, ठीक है। हाँ सर, हम सब फाइल लेके आ रहे हैं। Yes, coming. सर ये रही मेरी फाइल। सब ठीक है, तुम जाओ। कुछ नहीं, पूरी फाइल मिस्टेक है। एक हफ्ते से ये कर रहे हो तुम, इसी बात की सैलरी देता हूं मैं तुम्हें। ना टाइम से आओगे, ना ढंग से काम करोगे, फिर सैलरी किस बात की? सॉरी सर, गलती हो गई, आगे से ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। सॉरी बोलने से क्या ठीक हो जाएगा? अब मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूं? पता नहीं यार, पूरी फाइल गलत बना रखी है, इसलिए मैंने थोड़ा डांट दिया उसको बस। और चक्कर खा के गिर गई, इसको कुछ बीमारी है क्या? सर सर अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन इसे कोई बीमारी है। क्या जब तुमको ये बात मालूम था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सब? चलो एक काम करते, इसको हॉस्पिटल लेके जाते और इसके इलाज का जितना भी खर्चा होगा मैं संभाल लूंगा। हाँ सर, हम सब इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। चलो 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी आराम से संभाल के लिए चलना।
हेलो डॉक्टर साहब, बताइए उसको क्या हुआ है। जी देखिए, मैं एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि उस बच्चे को ब्लड कैंसर है, तो वो लास्ट स्टेज पे अगर जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो उस बच्चे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप उसका ऑपरेशन स्टार्ट कर दो, बच्ची ठीक होनी चाहिए कैसे भी। देखिए मिस्टर वरुण, इस बच्चे के ऑपरेशन में पूरे 10 लाख रुपए के खर्च आएंगे। डॉक्टर साहब, आप पैसे का चिंता मत कीजिए, मैं आज ही भिजवाता हूँ। कैसे हो सब लोग? आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। कैसी खुशी सर, हमें भी बताइए। हाँ सर, किस बात की खुशी, हमें भी बताइए। हाँ सर, हमें बताइए क्या खुशी की बात है। एक खुशी की बात यह है कि पूरे 2 महीने बाद निधि ठीक होकर हमारे बीच आ रही है। क्या सच में? अच्छा, फिर दूसरी खुशी की बात क्या है सर? अब वो तो निधि के आने के बाद ही बताऊंगा, तुम सब अपना अपना काम करो। अरे निधि, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। निधि, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मैं बहुत अच्छी हूँ। निधि, तुम्हें पता है तुम्हारे आने की खुशी में हम सब कितना खुश हैं। हाँ निधि, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आप सबको देख कर बहुत अच्छा लगा। निधि, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छी है सर, थैंक यू, आपने जो मेरी इतनी मदद की। अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं देते शायद मैं नहीं बचती। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी फैमिली से हो, ये मेरा फर्ज बनता है। सर अब वो दूसरी खुशी बता दो, अब तो निधि भी आ गई है। हाँ तो सुनो, तुम सबकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से अपनी कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है, इसलिए तुम सबकी सैलरी डबल और तुम सबका प्रमोशन होगा। सॉरी निधि, मैं तुमसे इतने गुस्से में बात किया और तुम्हें बहुत डांटा, अब इसे ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं सर, गलती मेरी भी।